Hello students, I Sunaina Sharma welcome you in my business studies class and I am going to explain classification of business activities under the chapter nature and purpose of business. I am going to explain the classification of business activities. Here we classify business activities in two categories. One is industry and another one is commerce. Industries involves those activities which convert raw material into finished goods. Whereas, as per the commerce, we explain commerce as those activity which helps directly or indirectly in the smooth functioning of flow of goods in the market. First of all, we have to know what is primary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री आपकी वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, जहां जो भी मटेरियल हम लेके आ रहे हैं वो रॉ फॉर्म में हमारे पास आ रही है. इसीलिए हम इसको बाइफरकेट अनदर टू कैटेगरीज में कर रहे हैं. वन इज एक्सट्रैक्टिव एंड अनदर वन इज जेनेटिव. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हमारे पास वो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर हम बोलते हैं कि हमने जैसे अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स लिए, तो जहां पर एक्सट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो हमारे लिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है. जब बात जेनेटिक इंडस्ट्री की होगी तो जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आप एग्जांपल ले सकते हो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स का, पोल्ट्री फॉर्म्स का. आजकल एक नया कंसेप्ट हमारे पास पिसिकल्चर है, तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज हमारे लिए रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ स्पीशीज की बात की जाती है, ये हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री है. सेकेंडरी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारे लिए वो इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल को हम फर्दर प्रोसेस्ड करके फिनिश गुड्स में यूज करने जा रहे हैं. अब इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. दो कैटेगरीज में हमारे पास पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको ये वर्ड ही कुछ समझ आ जाएगा कि गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं फिनिश्ड में. अब बात यहाँ आती है, मैंने बाइफरकेशन में फोर कैटेगरीज में इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है. फर्स्ट है एनालिटिकल, जिसमें रॉ मटेरियल को हम डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक करते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल हम लेकर आते हैं, उससे पेट्रोल, कैरोसिन, वैसलीन एटसेट्रा फॉर्म किए जाते हैं. सिंथेटिक इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो यहाँ पे टू और मोर प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाता है. वो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट केमिकल्स से हो रही है, लेकिन वो जो फिनिश प्रोडक्ट्स मिल रहा है वो हमारे पास किस फॉर्म में मिलता है, सोप, कॉस्मेटिक, पेंट्स, इन सभी के फॉर्म से. नेक्स्ट कम टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें गुड्स को प्रोसेस्ड करके डिफरेंट स्टेजेस पर एक नया रॉ मटेरियल को बार बार प्रोसेस्ड करने के बाद एक नई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जाती है. जो हमारे शुगर केन इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, वो इसके एग्जांपल्स हो गए. नेक्स्ट असेंबली इंडस्ट्री. असेंबली इंडस्ट्रीज में कहा जाता है प्रोडक्ट को असेंबल करके, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जा रही है, ये हमारा असेंबली इंडस्ट्री है. आप एग्जांपल में इसका ले सकते हैं टीवी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सारे हमारे असेंबली इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट जब बात हम थर्ड इंडस्ट्री की करते हैं तो वो हमारा टर्सरी सेक्टर है. टर्सरी सेक्टर जो हमारा है वो हमें स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इसमें वो सारे सर्विसेज आ रही हैं जो हमें हेल्प करती हैं गुड्स को मार्केट या फिर उसके अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचाने में. अब उसमें हम टर्सरी सेक्टर में बात करें डिफरेंट सर्विसेज की, तो वी हैव ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग. दीज ऑल थ्री आर द बाइफरकेशन ऑफ इंडस्ट्री. So, revise this. We will meet in another lecture.